जाने की कोशिश करता हूँ। डर सकता हूँ तुझसे। ओह, तो ये रही गाड़ी। तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? तो मैं आ गया हूँ सखी चीनी मिल के साथ, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था। तो आज हम सखी चीनी मिल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप मेरे सामने जो देख रहे हो वो सखी चीनी मिल है। ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ है, पर अब खंडर हो चुका है। ये सारा सखी चीनी मिल का है, और ये सखी चीनी मिल है, बाकी इधर सारा उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब है। तो ये रहा, और ये वर्कर जो इसमें काम करते थे उन लोगों का ये रूम वगैरह इधर बना हुआ है। हम इधर भी जाएंगे, और इधर भी है, और पर अभी इधर रेलवे का काम हो रहा है। तो हम अभी जाएंगे इस तरफ, ये बहुत वीराना है। आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह से है ये सारा। तो हम अभी इधर जाएंगे, और इधर ये ट्रैक वगैरह है, जो कि पहले यहाँ पे जो गन्ना आता था तो इसी पे आया करता था, और इससे आकर फिर इधर से एक गेट है इसके अंदर जाने का, तो इसके अंदर जाके फिर शुगर चीनी वगैरह बना करता था। तो ये बहुत बड़ा है, अगर मैं एक्सप्लोर करूँ अच्छे से तो घंटों लग जाएगा। हो सकता मैं इसे पार्ट में लाऊं। तो ये रहा, देख सकते हो आप। हम काफी अंदर आ चुके हैं, इधर आना भी खतरा है, पता नहीं क्या है नहीं है अंदर। ये पूरा तरह से खंडर बन चुका है। अगर आपको हॉरर फिल्म शूट करना है तो, या किसी को, तो यहाँ पे आके एक बेहतर हॉरर फिल्म शूट कर सकते हो। और ये एक कुछ चीनी मिल का ही होगा, एक कुछ बना हुआ है, अब पता नहीं ये क्या था, मुझे भी उतना पता नहीं सब के बारे में। और ये आप ट्रॉली हम लोग कहते हैं, बाकी पता नहीं इसे, जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रॉली है, ये सारा ट्रॉली है यहाँ पे। और ये बहुत दूरों में फैला हुआ है, ये तो इसका जो मेन कंपाउंड है जो वो जो घिरा हुआ है, पर इसका जो पार्ट है बहुत दूर में फैला हुआ है। और सुनने में आया कि ये बिक चुका है, अब पता नहीं मुझे कि कितना सही है झूठ। और ये भी सुनने में आया था कि ये फिर से रीस्टार्ट होने वाला है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो ये रहा, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, और अभी आगे वहाँ तक जाऊँगा। अभी तो फिलहाल आपको चीनी मिल के ठीक बगल के जो रास्ता है, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, एक वो गोलंबर है, एक राउंड टाइप का, जो चारों तरफ से गोलाकार राउंड में है चारों तरफ से, तो मैं उसका सीन आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अंदर भी ले जाऊँगा, और अंदर हम लोग बंगला कहते हैं, बंगला है उसमें बहुत वीराना है, एकदम जैसे कि भूतिया कह सकते हो आप, ऐसा है। तो हम आगे भी जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे सारा को, देख सकते हो आप, काफी डरावना माहौल है। बेटर रहेगा मैं आप लोगों को बैक कैमरा से ही दिखाऊं, क्योंकि उधर से धूप आ रहा है। तो ये बैक कैमरा हुआ, और ये चीनी मिल का ही अंदर का कुछ होगा, अब पता नहीं। मैं इसके अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा, पर उसके लिए मुझे परमिशन लेना होगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता, और वो भी अकेले तो नहीं जा सकता, किसी को साथ में लेके ही जाऊंगा, फिलहाल मैं तो अकेला आया हूँ। और ये चीनी मिल बंद हुआ 1997 में, इस बिटवीन 97 और 98 के बीच में ये
चीनी मिल बंद हुआ, और ये चीनी मिल रहता था तो यहाँ के लोग को चीनी की तो जरूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि अब जितना मन हो उतना ही लो। और देख सकते हो उधर से हम लोग आए हैं, और ये कुछ ऐसा है, और ये भी दिखाऊंगा, एक टैंकर जैसा है कुछ, मुझे पता नहीं अब क्या है। और आगे भी है, बहुत है ये, इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। हम लोग इधर भी जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग बस चारों तरफ का देख रहे हैं, इसे मैं एक अच्छी तरह से बना के दूंगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा दिखाया और बस हो गया, सारा एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को सारा दिखाऊंगा, भले जितना लंबा वीडियो बने ये बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखो आप लोग, वहाँ देख सकते हो कुछ मशीन है, वो कुछ तो है, अब पता नहीं ये कौन सा मशीन है, नहीं कह सकते। और इधर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, ये नहीं कि आप आओ यहाँ से सामान लेके भाग जाओ, वैसे चोरी भी होता है पर बहुत माइनर होता है, बड़ा चोरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर घुसना ही एक बड़ी बात है। और ये रेलवे का और कुछ पोल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हो, मैं इसे कुछ सामने जाके दिखा रहा हूँ आपको। सच में काफ़ी, जिन लोगों को अगर एडवेंचर पसंद है वो लोग प्लीज़ यहाँ आओ एक बार देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों के साथ आओगे तो और भी अच्छा लगेगा। और ये तो सच में काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। हाँ एक बात है कि आप रात में नहीं आ सकते अकेले, क्योंकि बहुत भयानक है ये। और इधर आप देख सकते हो, ये हाथ भी दर्द करने लगा, ये सारा बंगलो, हम लोग बंगलो बुलाते हैं इसे, ये सारा बंगलो है और इसमें ऑफिस वर्क हुआ करता था। इधर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, और इधर जितने भी बंगलो टाइप के हैं, घर हैं, मकान हैं, इधर ऑफिस हुआ करता था और हजारों लोग अपना काम किया करते थे इसमें, जिससे कि लोगों को काम भी मिलता था। बड़ा बंद होने के बाद सारा चीज़ ख़त्म। और एक बम्बा भी हुआ करता था जिसे हम लोग बम्बा कहते थे, जब शुगर को बनाया जाता था तो उससे जो धुआं निकलती थी वो, पर अब नहीं रही, वो गिर चुकी है, हम लोग बम्बा ही बोलते हैं, बाकी पता नहीं जो समझते हैं ठीक है। बम्बा यानी कि एक चिमनी, हाँ शायद चिमनी भी कहते हैं, चिमनी टाइप कुछ। इधर और इधर और ये रहा जो आप ये देख रहे हो, एक कुछ खड्डा था, कुछ पानी सा, इधर एक कुछ बना हुआ स्विमिंग पूल जैसे कुछ, जिसमें कि जो शुगर को प्योरीफाई किया जाता था, उसे साफ़ किया जाता था, चीनी को, उसका जो गंदा पानी आता था तो इसमें आता था, इस वाले में, और यहाँ से वो गंदा पानी ऐसे करके होते, जो आप ये लाइन देख रहे हो ये वाला, ये एक नाला हुआ करता था, और ये नाला होते हुए, ये क्रॉस करते हुए, और ये कमला नदी है, इस कमला नदी से होते हुए वो चला जाता था। तो बेसिकली एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, या फिर आपको भी सर बताए होंगे, कि जो भी नदी हो, सॉरी जो भी फैक्ट्रियां हुआ करती थी वो नदी के किनारे हुआ करती थी, क्योंकि उसकी जो गंदगी है उसे निकालने के लिए नदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये देख सकते हो। और ये भी कुछ है, पता नहीं ये क्या है, मैंने बताया था एक चिमनी टाइप का है, आप लोग देख पा रहे होंगे, वो रहा
देख सकते हो आप लोग, तो थोड़ा कोशिश करना देखने की झाड़ियों के अंदर। और ये रहा, फिर उधर थोड़ा सा मार्केट आ गया, फिर उधर तो खैर कुछ है नहीं, रोड बना हुआ है। तो फिर हम यहाँ से बैक होते हैं और आपको आगे ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इससे वीडियो बनाओ, पर टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ चुका था उस वक्त। एक जो जड़ से ही उखड़ चुका है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो इसमें भी पानी, काफ़ी पानी लग जाता है। मैं आप लोगों को ब्रिटिश टाइम का गाड़ी भी दिखाऊंगा, जो कि यहाँ रखे रखे सड़ गया है। और एक दो नहीं है, बहुत गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, जीप हैं, कार है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और अंदर में कितना उसका तो कोई पता ही नहीं है, साइड से आप देख सकते हो एक दो मिल जाएगा। अब फिर अंदर में बहुत गाड़ियाँ हैं, फिर यहाँ पे एक इंजन भी था जो कि इस ट्रॉली को लाता था गन्ना को, लेकिन उस इंजन को यहाँ से ले जाया गया। और हम आ गए हैं जहाँ पे हम थे, और इधर कुछ एक बड़ा सा है तो हम वहाँ जाते हैं। ये रहा कुछ ड्राम सा, क्या है ये? नहीं पता। कब से है यहाँ पे? यहीं रहते हो तुम? हाँ। क्या करते हो यहाँ पे? गाय चढ़ा रहे। तो ये कुछ ड्राम सा है, देखो। तो ये देख सकते हो, कुछ ड्राम सा है, आते जाओ। तो ये ड्राम सा है, इसके अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। जा सकता हूँ तो सही। आओ मैं जाओ। तो देख सकते हो, नीचे से दिखाओ, नीचे से कुछ ड्राम सा। और ये अब ये क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, पर यहाँ से निकलना चाहिए, गर्मी बहुत लग रहा है। इसके ऊपर जा सकते हैं? हाँ। आओ इधर दिखाओ। तो इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ अंधेरा बुझा रहे हैं। इधर आ जाओ। तो देख सकते हो आप लोग, बड़ा मजा आ रहा है घूमकर। मैं भी बहुत काफी दिनों बाद घूमा हूँ, जबकि मेरा घर यहाँ से नजदीक ही है, पर टाइम नहीं मिलता है कभी, दैट्स व्हाई नहीं आ पाते। ये बड़ा मजा है, अब उतरना चाहिए। मैंने अच्छे से रिकॉर्ड करना। तो ये सारा सकरी चीनी मिल का पार्ट है, ये सारा। हाँ। मेरे साथ ही आओ तुम। और इधर भी ये सारा आप जो देख रहे हो, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। तो तुम ही बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। घर कहाँ है? सकरी दोहरा। चलो अच्छा घूमो फिर। तो ये देखो आप लोग दूर से, ये सारा सकरी चीनी मिल का एरिया है, बहुत अच्छी जगह है, कभी आओ आप लोग भी, एडवेंचर पसंद है तो। तो वो रहा गाड़ी जो मैं बता रहा था, जहाँ की बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं। और इधर ये ट्रॉलियाँ रही। मैं चाहता हूँ इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना, मैं नहीं चाहता इसको थोड़ा थोड़ा बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। देखना है तो पूरी अच्छी तरह से देखूँ, जो कि अच्छा लगे। बड़ा हॉन्टेड जगह है, लेकिन देखो। और यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं। तो ये रही गाड़ी, आप लोग देख सकते हो, और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इसके साथ। तो ये रही गाड़ी, जो कि काफ़ी पुरानी है, खेल रहे हो यहाँ पे। और इसके अंदर सारा
कुछ बर्बाद हो चुका है। देख सकते हो ये शायद मिनी ट्रक जैसे लग रहा है, पता नहीं अब ये था क्या। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पता हो तो कमेंट करके बताना। तो ये रहा, और इधर भी एक रूम है। इस रूम ये शायद गैराज हुआ करता था। इधर भी एक गाड़ी है जो अंदर में लॉक्ड है और ताला जड़ा है। वो थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिख जाए तो शुक्र है। देख पा रहे होगा अगर आप देख लीजिए, तो इसके अंदर भी, इस सब के अंदर भी गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर भी गाड़ियाँ हैं। तो है गाड़ी, तो इसके अंदर भी गाड़ियाँ हैं, देख पा रहे होगी आप, तो देख सकते हो काफी गाड़ी है। पूरा खराब हो चुका है ये सब। ये सब खुल फिर से खुलेगा नहीं? नहीं, नहीं खुलेगा। आप लोग का घर इधर ही है, दोहरा है। इधर से तो ये भी अब पता नहीं ये सब था क्या, लेकिन बहुत बड़ा है ये। और मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इधर ये छोटा छोटा तालाब। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो, गाड़ी में दिखा रहा हूँ, और देखो कंडीशन थोड़ा सा बाहर वाली से अच्छा है। अब रहने तो आगे नहीं जा सकता, काफी जंगल है। कुछ घर हैं, कुछ टॉयलेट हैं, जो आप देख रहे हो वो टॉयलेट है। और इधर भी, हाँ हो गया, इधर भी घर है, बंगलो है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा जिसमें और गाड़ी है। और ये आप देख रहे हो, इस हर एक रूम के अंदर जाऊंगा और अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। उधर भी आप एक घर देख पा रहे होगे, उधर मैं नहीं गया, उधर भी जाऊंगा और हर एक रूम, हर एक घर, हर एक बंगलों का वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, तो यार यहाँ पे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।